verdad que me da que estar a hacer animal. रिहाई के पेपर्स आपने खुद देखे अपनी आंखों से? मुझे यकीन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि ऐसा इतना बड़ा अचानक फैसला और वो भी इतने साल बाद। दिसंबर 1998 को तेहरे कत्ल की वारदात के इल्ज़ाम में अस्मा नवाब को जेल हो गई और उसके बाद उसको ऐसी सज़ा सुनाई गई कि एक आम आदमी सुनकर ही सटपटा सा जाता है। 20 साल का अरसा गुजरा। उस 20 साल में एक ऐसा लॉयर था जावेद चतारी जिसने इस केस को एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं किया, ना एक सेकंड के लिए, हालांकि वर्डिक्ट आ चुका था, उस केस को गिव अप किया। 20 साल के बाद उनकी जीत है, ये खातून जो मेरे साथ बैठी हैं अस्मा नवाब, इनकी जीत है कि इनको अब रिहाई मिल गई। 20 साल का बहुत तवील अरसा होता है, बहुत तवील अरसे इन्होंने जेल में गुजारा है। जब रिहाई के पेपर्स आपने खुद देखे अपनी आंखों से? मैंने न्यूज़ में सुना था, मुझे यकीन नहीं आया था कि पेपर तो हमें नहीं दिए जाते हैं, लेकिन न्यूज़ में जब मैंने सुना, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि तुम रिलीज़ हो गई हो, तुम बरी हो गई हो, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि ऐसा इतना बड़ा अचानक फैसला और वो भी इतने साल बाद। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, क्या कहते हैं जावेद साहब आप? आपने 20 साल लगा दिए इस केस को लड़ते लड़ते। ये मेरा पहला केस था, मर्डर केस, पहला मर्डर केस था मेरा जब मैंने वकालत स्टार्ट की, और मैंने इतनी मेहनत की इसके अंदर, और इतने लोगों से मैंने पूछा इस मामले में, इतने लोगों से मशवरे करता था, और उसके बाद जब लेके चलता था, तो जब सज़ा हुई तो मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था, मैं लिटरली रो रहा था कि मुझे किसी और से दिलचस्पी नहीं थी अस्मा के मामले में, क्योंकि अस्मा के मामले में बिल्कुल क्लियर था कि ये बिल्कुल बेगुनाह है। और इसको जब मैंने कहा था ममरेज़ खान दुरानी को कि तुमने इसको गलत बंद किया है, इसकी तुम्हें हाई पड़ेगी, तो दुरानी साहब वही हैं जो इनके अरेस्टिंग ऑफिसर भी थे। जी जनाब, तो फरहान जो था उसने इनका रिश्ता भेजा था, दोनों पढ़ते थे, उस पर रिश्ते के ऊपर जब घर वालों ने इनकार कर दिया था तो कुछ जवान भाई था, गर्मा गर्मी भी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये चूँकि ये वाकया हो चुका है और इस वाकये के पस मंज़र में ये मुलव्विस हो सकते हैं। उन्होंने जब उनको गिरफ़्तार कर लिया और लोगों को ठंडा करने के लिए, तो उनके पास शहादतें जमा नहीं हो सकी। केस हुआ इनके खालू की मुद्दत में केस हुआ था जिनका इंतकाल हो गया है और नामालूम लोगों के खिलाफ। अच्छा जी, फर्स्ट इन्फॉर्मर जो थी वो अस्मा थी इसके अंदर। तो फिर अस्मा को किस बेसिस पे, जस्ट बेसिस ऑफ असम्पशन अरेस्ट किया गया? हाँ, मैं यही तो कह रहा था कि जब इतना हाइक क्रिएट हो गई एकदम अचानक और पुलिस पर प्रेशर आ गया, SP, IG, DIG सबों पर प्रेशर आ गया, तो उन्होंने उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, अपने कंधे से उतारने के लिए अचानक कहा कि हमने अस्मा को अरेस्ट किया है, हमें इससे कुछ तफ्तीश करनी है। उसके बाद उन्होंने जब अस्मा को अरेस्ट किया तो एक बहुत ज़्यादा खबरें चली, फिर जो फरहान वाली बात थी उसको उन्होंने बेस बना के उसको गिरफ़्तार किया। अगर कोई बात होती है, कोई शहादत होती है, तो शहादत जमा की जाती है। आला कत्ल तुम बरामद कर रहे हो तो उस पर ब्लड स्टेन नहीं है, तो आला कत्ल की बरामदगी बेकार है। आला कत्ल मेरी एक्सक्लूसिव पोजीशन से नहीं निकल रहा तो उसकी रिकवरी बेकार है। कचरा कुंडी से आप कुछ भी उठा के डाल दो, और कहते हैं कि दो प्लास्टिक की टूटी हुई पिस्तौल बरामद हुई, तो टूटी हुई पिस्तौल क्या चीज़ होती है, और वो भी कचरा कुंडी से? तो इन सब चीज़ों को जमा करते हैं। फिर दूसरी बात, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इनका था उसमें मैजिस्ट्रेट साहब ने इनको यकीन नहीं दिलाया था, मुलजिमान को, कि हम तुम्हें यहाँ से जेल भेजेंगे। वो सवाल नहीं लिखा अच्छा। था वो सवाल नहीं लिखा था। रिफ्लेक्शन टाइम होता है 2 घंटे सोचने का, वो भी उसमें नहीं लिखा था। अच्छा। तो इन सब चीज़ों के बाद अगर आप ये कहते हैं, फिर एक चांस विटनेस लेकर आए थे, अब चांस विटनेस लेकर आए थे तो उसकी आप शनाख्त पीरियड कराते, वो शनाख्त पीरियड भी नहीं कराई, तो इन सब चीज़ों ने केस को कमज़ोर किया। किसी भी कानून ये कहता है कि 1000 गुनाहगार छूट जाएं, किसी एक बेगुनाह को फांसी ना लगे, और उस मफरूजे के तहत और झूठ के ढेर में सच का ज़र्रा तलाश मत करो। तो इन जो ब्लीडिंग केसेस हैं और हमारे उसूल हैं, प्रिंसिपल्स, उनकी रोशनी के अंदर और ये केस बरी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का एक पैटर्न है,
वो कहती है कि कान तफ्तीश अगर कानून के दायरे में कानून कसौटी में फिट होती है तो हम सज़ा बरकरार रखेंगे, अगर फिट नहीं, अगर होती, नहीं होती तो फिर तो उसको सज़ा देने का कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल सही। मैं अस्मा आपसे बात करूँगी अगर आप बात करना चाहें तो। सबसे पहले तो ये कि 1998 में जो वाक़या हुआ था उस वक्त टीवी चैनल्स तो थे नहीं, अखबार थे, ये केस अखबार पे बहुत हाईलाइट हुआ। आप क्योंकि इस पूरे आपकी फैमिली के साथ हुआ है तो आपका जो गम है वो बहुत रियल है, जो कि लोग शायद नहीं समझ पाते होंगे। आप आई विटनेस हैं उस बहिमाना चीज़ की, जो कि आई एम श्योर 20 साल आप सोचती रही होंगी, उसको नाइटमेयर्स आते होंगे। क्या आप डिस्क्राइब कर सकती हैं क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मैं जब कॉलेज से आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैं अंदर गई, मैं हैरान, दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है। अंदर गई तो अंदर तीनों जिंदा नहीं थे। तो आपको तो बहुत शौक लगा होगा। मैं तो वहाँ से बहुत शोर मचाया, मैं बाहर गई, बाहर सब शोर मचाया, सब इकट्ठे मोहल्ले वाले जो सब थे वो सब इकट्ठे हो गए। फिर मैं अपनी खाला के घर गई, वहाँ जाके मैंने बहुत शोर मचाया, वो सब आ गए, पुलिस भी आ गई, इन्फॉर्म कर दिया सब खालू ने और सब। फिर आप तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई होंगी। मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ तो कैसे हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ अचानक, मैं गई हूँ सब सही छोड़ के और वापस आई हूँ तो ये सब हो गया। उसके बाद जो है फिर पुलिस आ गई, उन्होंने कहा हम घर बंद कर दिया। फिर मुझे अपनी खाला आंटी के घर लेके गए, वहाँ एक रात में वहाँ रही। उसके दूसरे दिन सुबह में वो बयान लेने के लिए गए कि हम इनको बयान लेके छोड़ देंगे। शाम तक मुझे वहाँ बिठाया रखा, फिर उन्होंने कहा मेरी खाला से कि आप जाइए और हमने इनको अरेस्ट कर लिए। इस तरह अरेस्ट किया जी था आपको? तो बयान लेने के लिए किधर रखा था? आयु ने अपने कमरे में रखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। उस दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई तो मुझे वहाँ हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, ऑक्सीजन लगी थी मुझे, तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। वहाँ पे आयु सारी रात वहाँ मेरे पास रहे, लेडी पुलिस भी थी मेरे साथ। आप अपने पेरेंट्स की तस्वीर में मौजूद नहीं थी? थी। दूसरे दिन ही लेके गए थे सुबह 11 बजे स्टेटमेंट थाने के, हम लोग इनको बयान लेके इनको छोड़ देंगे। तो मेरे साथ मेरी खाला मेरे कज़न भी थे तो उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा हमने आप जा सकती हैं, हमने इनको अरेस्ट कर लिया। और वो दिन है और आज का दिन है। आपने अपना बताया नहीं कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे किस बेसिस पे अरेस्ट किया? मैंने कहा बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं, तुमने तुम्हारी 1 घंटे पहले की FIR कटी हुई शक की बिना पर के 3 लड़के और 1 लड़की मशकूक हालत में वारदात करके निकले और वो तुम ही लोग हो। इनका ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हूँ, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि वो जगह घर जहाँ मेरा है वहाँ ऐसे है कि हर वक्त खुला ओपन है हर चीज़, वहाँ पे सब लोग का आना जाना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने किया? उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं किया है। तो फिर आपने कन्फेस क्यों किया? वो क्यों उन्होंने फोर्स किया था पुलिस वालों ने कि तुम ऐसे बोलो थाने में, क्योंकि ममरेस खान दुरानी ने कहा था कि तुम ऐसा बोलोगे तो तुम हम निकल जाओगी वहाँ से, मुलजिमान का चक्कर ये होता है, मुलजिम इसने तो देखा नहीं कभी थाना क्या होता है, पुलिस क्या होता है। आप भी 16-17 साल की उम्र से गुजरी हैं, हम भी 16-17 साल की उम्र से गुजरे हैं, तो जब एक आदमी कहे कि आप इस तरह बोलो और इस तरह कहो तो हम आपको छोड़ देंगे, तो मैं उस वक्त मौजूद था, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये इनको बुलाया है, इनसे दस्तखत लिए हैं और बयान उन्होंने पहले से मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जो लिखवाए हुए थे और लिखवा के सिर्फ इसका अंगूठा लिया है। अरे नहीं करें, ये मैं खुद मौजूद था, मकबूल मेमन साहब यहाँ मौजूद हैं और मेरी जब उनसे बात होती थी कि आपने ये मामला जिस तरह हुए हैं, तो कहते कि इस कदर प्रेशर था इंतज़ामिया का कि उन्होंने केस का डिस्पोजल करना था। मुझे पता ही आपके लिए बहुत मुश्किल होगा रिविज़िट करना, मगर आप क्या वो जाए वक़ूर डिस्क्राइब कर सकती हैं उसे, जब आप अंदर गई थी तो कहाँ कहाँ बॉडीज़ देखी थी, क्या देखा था? मेरे अबू की जो डेड बॉडी थी वो ड्राइंग रूम में थी और मेरे भाई और अम्मी की तो वहाँ डाइनिंग रूम में। किस तरह मर्डर किया था उनका? वो उनके गले पर छुरी फेरी हुई थी, वो खून भी निकल रहा था, मैं तो देख के ही। जिस लड़की का पूरा खानदान मर्डर कर दिया उसी लड़की को अरेस्ट कर लिया? उसी लड़की को अरेस्ट कर लिया। देखिए मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पुलिस को कोई शहादत नहीं मिलती ना, अब हमारे साथ हुआ क्या, हादसा क्या हुआ,
जब उन्होंने पुलिस वालों ने कहा कि ये इन्वॉल्व है, तो इसके साथ दूसरा बड़ा हादसा ये हुआ कि इसकी खाला इसके खिलाफ खड़ी हो गई, जिनका इंतकाल हो गया। आपकी खाला जिनके घर आप रह रही थी वो आपके खिलाफ हो गई? वो नहीं, दूसरी खाला थी मेरी। क्यों, वो क्यों खिलाफ हो गई? वो मेरी अम्मी जॉब करती थी ना, तो वो जाती नहीं कि उनके जो पैसा जो है वो उनको मिले। तो जॉब वो आप लोग के लिए करती होंगी ना? आपकी वालदा क्या काम करती थी? मेडिसिन कंपनी में जॉब करती थी मेरी अम्मी। किस बहन को यकीन होगा, किस भांजे को होगा कि वो अपनी खाला, उसकी सगी खाला उसके बारे में ऐसे सोच सकती हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगा सकती हैं। जब वो पास बैठ के मुझे बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी, और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें ऐसा ऐसा बुरा होगा कि तुम निकल नहीं पाओगी, मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊँगी। आपकी जो खाला जिन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी, और फिर तीन अफराद जो आपके साथ जिनको सजा हुई, वो मुझे कनेक्शन नहीं समझ आ रहा है कि चार लोगों को सजा होती, आपको, फरहान को और दो और थे जी, तो ये किस तरह नॉमिनेशन में आए, कैसे अरेस्ट हुआ? मतलब आप तो गई बयान रिकॉर्ड कराने, आपको अरेस्ट कर लिया, बाकी जो तीन हजरात थे उनको क्यों अरेस्ट किया? आप जानती थी उनको कुछ है तो फिर ऐसे ही? वो इन्होंने उनको उनके दोस्त, ये लोग असल में लाहौर चले गए, लाहौर से फिर कराची एयरपोर्ट आए, उनके दोस्त ने कहा, बताया कि वो मर्डर के बाद वहाँ चले गए हैं और उनको परेश, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि उनको कैसे पकड़ा गया और किसने पकड़वाया मुझे, तो मुझे तो वाकई में कुछ भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है और कौन भाग गए हैं। नाइनटीन नाइन्टी एट से लेकर आपकी जो पूरी, आप 17 साल की थी सर जब आप अरेस्ट हुई थी, 20 साल का अरसा आपने अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा पार्ट लाइफ का तो जेल के अंदर ही गुजारा है। जेल में आप, मतलब वो एक सोने का पिंजरा होगा, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है जी, मैं भी 3-4 दफ़ा गई हूँ वेमेन जेल, बड़ा अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, कुछ दोस्त बने आपके, कैसा रहा 20 साल का लंबा अरसा आपने गुजारा है, जब आप अभी रिहा हुई तो कैसा फील हुआ आपको, आप मिस करेंगी, क्या है? मेरा बहुत अच्छा रहा है, मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी रही, और शुरू में मुश्किल हुई थी, परेशानी थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ समझ में आते गए, अच्छे बुरे लोग हर तो हर जगह होते हैं, फ्रेंड्स भी बनी, बहुत उन्होंने साथ भी दिया, कोऑपरेट भी किया, मैडम शिवा शाह बहुत अच्छी हैं और स्टाफ उनका भी बहुत अच्छा रहा, और बस ये था कि बाहर नहीं जा सकते थे और सब कुछ था वहाँ पे, बहुत इस चीज़ का एहसास होता था कि हम बाहर कब जाएंगे, कि एक परिंदे को देख के भी होता था कि ये कितना खुश नसीब है कि ये बाहर है और हम एक अंदर, मैं बता नहीं। आपने आगे की प्लानिंग की है कि क्या करेंगी, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगी? पढ़ाई करेंगी जी। क्या पढ़ना चाहेंगी? मुझे बताया था कि मैं पढ़ के कोशिश करूंगी कि वकील बन जाऊं, मेरे ख्याल में ये अच्छा रहेगा। अच्छा, और इसमें जो बेगुनाह ख्वातीन हैं, मैं उनके अच्छे मसाइल समझती हूं, 20 साल के अंदर कई बेगुनाह भी आए, कई गुनाहगार भी आए, उन सबको देखते हुए मुझे ज़्यादा अच्छा तजर्बा है इनका, इसका कहना है, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो अगर आप लॉ पढ़ेंगी तो आप क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करेंगी? आपने तो 20 साल अपना केस आगे पीछे देखा है। अच्छा, जेल में आपने कुछ स्किल्स सीखी, क्योंकि वहाँ बड़े प्रोग्राम्स चलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट के, पढ़ाई के, क्या क्या आपने क्या का मतलब कोर्स भी किया है? मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है वहाँ पे। अच्छा। कंप्यूटर कोर्स भी किया है मैंने, कुरान भी पढ़ाया है वहाँ पे मैंने, उसके भी सर्टिफिकेट है, पार्लर भी की ट्रेनिंग, पार्लर मैंने देखा, बड़ा अच्छा है आपका। हाँ, और मैंने ये भी नोट किया कि ख्वातीन की जो जेल में ना आईब्रोज बड़ी खूबसूरत बनी होती है, मैंने ये बाहर आके भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। और फैशन वगैरह? फैशन भी हाँ, लेकिन जो जिनको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जेल मैंने गुजारी है ना, वो उसके मुकाबले में ये जो जेल आपने देखी ना, इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो आप
पहले वाली जो जेल देखते हैं ना, आपको यकीन नहीं आता कि ये वही जेल है जिसको इतना अच्छा किया गया है। आपने जब देखी थी तो कैसी थी जेल? बिल्कुल ही कच्ची। कितने के दिन तो वहाँ लाइट्स नहीं होती थी, पानी नहीं होता था। कराची की गर्मी में? जी गर्मी में। और बैरिक में ये होता था कि कॉरिडोर नहीं थे हम लोग का, जो बैरिक जैसे ये दरवाज़ा बंद हुआ, हम इसी के अंदर मेजोरिटी 30-35 लोग होते थे, उनके पास कोई जगह नहीं होती थी सोने के लिए। पानी का मसला, खाने का मसला और लाइट का मसला होता था। हमें बंद कर दिया जाता था एक पिंजरे में। हम किसी से कुछ कहना भी चाहते थे तो नहीं कह सकते थे, क्या हमें मना कर दिया जाता, क्या आप आगे नहीं जाएं, आपकी कोई सुनेगा नहीं। आगे ना बैरिक्स की वो इंचार्ज होती हैं, बहुत सख्ती भी होती थी कि वो कहती थी कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये और अगर नहीं तो अगर आप अच्छा नहीं तो बैठे तो वो ज़बरदस्ती करवाती थी। कभी मार पिटाई ऐसे भी होता? हाँ होती थी, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो सख्त माहौल देखे मैं घबरा गई थी, परेशान। 17 साल की बच्ची, 2018 में 17 साल को बच्ची कहा जाता है। मुझे नहीं पता 1998 में शायद होता होगा कि बड़े समझे जाते होंगे, मगर वो कच्चा दिमाग होता है जी उस वक्त। मतलब आपको जोर की आवाज़ भी डर जाते होंगे ना आप उससे भी, है ना? जब मेरी जेल इंट्री हुई थी तो सब पूरी लेडीज मेरे पास थी कि एक नई चीज़ आई। मैडम जो शिवा शाह से पहले जो मैडम थी, मैडम नजमा परवीन, उन्होंने सख्ती से मना किया कि इनके पास कोई ना जाए, कोई इससे कोई सवाल नहीं करे। उनको सर भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नजमा परवीन को, मैडम सुपरिटेंडेंट थी। उन्होंने कहा कि इसके पास से कोई ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत है। और जब मुझे एडीसी से ने सज़ा दी तो मुझे अलग बंद कमरे में रखा गया था। तो आपको अकेला कब तक रखा गया, कितना टाइम तक? 9 महीने। 9 महीने? 9 महीने अकेला केस चल रहा था एडीसी हाई कोर्ट में। मेरे ख्याल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बुरी सजा कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल जनाब, अगर हमारे यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आज से पहले खड़े हो रहे हैं सुन के। बादशाहों के दौर में किसी शख्स को जो अगर हम कहें कि कैद तन्हाई में बंद कर दिया जाए तो उसको पागल करने के बराबर होता है। एक यास्मीन का केस था जिसमें उसको अकेले बंद किया जाता था, उसने अपने इजारबंद से डालकर जेल में खुदकशी की थी। आदमी नफसियाती हो जाता है इस मामले में क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि अल्लाह ने सुनी और जो मेरी डिफेंस प्ली थी उसी डिफेंस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट करते हुए इसको बरी किया। ये केस अब 20 साल पुराना है आपके पेरेंट्स और आपके भाई के मर्डर का, क्या आप उन कातिलों को ढूंढने की कोशिश करेंगी? अगर मुझे पता होता कि वो मैं उनको जानती तो मैं उनको पहले ही क्यों ना पकड़ लेती, तो इतना अरसा मुझे गुजारना ही ना पड़ता। कि किसी पे उंगली उठाने से पहले ज़रा इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लीजिए, क्या वो इंसान वाकई में गुनहगार है कि सिर्फ आप अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि किसी बेगुनाह को अगर आप सज़ा दिलवा देंगे तो उसका हर जाना, वो बेगुनाह तो मतलब उसका हर जाना सोसाइटी को ही देना पड़ेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।